दोस्तों नमस्कार। आज जिस पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसे नेचुरल विटामिनों से भरा फल कहा जाता है। यही नहीं, इसे फ्रांस में लव एप्पल, इटली में गोल्डन एप्पल तथा भारत में विलायती बैंगन तथा आयुर्वेदिक विद्वानों ने इसे लाल बैंगन यानी कि रक्त वृन्ताक कहकर पुकारा था। यह अमेरिका का पौधा है, लेकिन इसकी खोज से पूर्व लोग इसे विषैला फल मानकर इससे खूब डरते थे। लेकिन इसके खाद्य गुणों, स्वास्थ्यकारी प्रभावों और हानि रहित फल होने की जानकारी होने पर यह सारे विश्व में खूब प्रयोग किया जाता है, खूब बोया जाता है। आज इसका सभी जगह करोड़ों का व्यापार होता है। दोस्तों इस सुंदर, चमकीले, स्वादिष्ट, स्वास्थ्यकारी, रोगनाशक पोषक तत्वों से भरे फल को टमाटर कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं टमाटर के स्वास्थ्य लाभों के बारे में, फायदों के बारे में। दोस्तों टमाटर के पके फल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन तथा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। यह खनिज लवणों का भी भंडार है। दोस्तों इसी कारण इसे विटामिनों से भरा फल भी कहकर पुकारा गया। खास बात यह है कि विद्वानों द्वारा किए गए शोधों में पता चला कि टमाटर में दूध से 2 गुना तथा अंडे से 5 गुना अधिक लोह तत्व होता है, आयरन होता है। यही नहीं, सेब, नाशपाती, अंगूर, नारंगी, खरबूजे से भी अधिक रक्त वृद्धि करने वाला आयरन तत्व इसमें मौजूद होता है। दोस्तों टमाटर में कैल्शियम वर्धक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर आंतों की सफाई करने वाला, रक्त खूब बढ़ाकर नसों नाड़ियों को शक्तिशाली बनाने वाला तत्व विटामिन बी भी इसमें खूब पाया जाता है। यही नहीं दोस्तों, टमाटर में पौरुष शक्ति यानी मर्दाना पावर को तेजी से बढ़ाने वाला तत्व विटामिन ई भी खूब लबालब भरा होता है। दोस्तों टमाटर फल के स्वास्थ्यकारी गुणों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। दोस्तों टमाटर शीत यानी ठंडी प्रकृति वाला फल है। यह मधुर, खट्टा, स्वादिष्ट, भूख को बढ़ाने वाला, पाचन को तेज करने वाला, पेट व आंतों की खुलकर सफाई करने वाला, खून को तेजी से बढ़ाने वाला, शुद्ध करके खूब बढ़ाने वाला। यही नहीं, यह नाड़ी मंडल को ताकतवर बनाने वाला फल है। दोस्तों टमाटर शरीर से विषैले पदार्थों, टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, दांतों, हड्डियों की कमजोरी का नाश करने वाला नायाब, गुणकारी प्रकृति की सौगात फल है। यही नहीं, टमाटर शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर रोगों को शरीर से पनपने नहीं देता, रोगों को शरीर में टिकने नहीं देता। अतः रोगियों को स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य लोगों को रोग से रक्षा प्रदान करता है। दोस्तों टमाटर के गुणों की बात करें तो मधुमेह रोगी भी इसका सेवन करके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है। यही नहीं, शर्करा भी इसमें बहुत कम होती है। वैसे भी यह शरीर में नारंगी की भांति तेजी से शक्ति, एनर्जी देने में अद्भुत है। विद्वानों का मत है कि टमाटर शरीर व मानसिक थकान दूर करता है तथा दिमागी कमजोरी, दिमागी रोगों को भी धड़ाम कर देता है। दोस्तों शोधों में भी विद्वानों ने पाया कि टमाटर का रस प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों, स्तन व गर्भाशय के कैंसर को नाश करने में बहुत मददगार है। इसमें एंटी कैंसर गुण विद्यमान होते हैं। टमाटर मोटापे, पेट रोगों, बेरी बेरी रोग, लीवर के रोग, सूजन, आंतों की सूजन, आंखों की कमजोरी, कम दिखाई देना, नाड़ियों की कमजोरी में भी अद्भुत लाभ करता है। टमाटर
त्वचा की क्रांति बढ़ाता है, चमड़ी के रोगों का नाश करके चमड़ी को सुंदर, साफ, कोमल व चिकनी बनाता है। दोस्तों, टमाटरों के गुणों की बात की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं टमाटर के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में, स्वास्थ्यकारी रोगनाशक प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, अगर जी मिचलाता है, उबकाई आती है, भोजन में स्वाद नहीं आता, रुचि नहीं आती, तो टमाटर के रस में नींबू का रस, मिश्री तथा 2-3 लौंगों का चूर्ण मिलाकर पीने से तुरंत लाभ होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर जीभ साफ नहीं रहती, सफ़ेद कप जैसा पदार्थ उस पर चिपटा रहता है, तो टमाटर तथा अदरक के टुकड़ों पर सेंधा नमक डालकर खाने से, चबाने से जीभ का मैल साफ हो जाता है तथा कंठ भी साफ शुद्ध हो जाता है। अगर दोस्तों कब्ज रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो टमाटर के जूस में अदरक रस तथा सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से आंतों व मलाशय की खूब सफाई हो जाती है। इसी प्रकार अगर बवासीर है, पाचन सही नहीं है, तो टमाटर के रस में भुना हुआ जीरा 3 ग्राम, सेंधा नमक 3 ग्राम मिलाकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर मधुमेह रोग है, तो रोगी को जौ चने की रोटी के साथ टमाटर की सलाद खाने से, टमाटर का रस पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है तथा कब्ज की समस्या नहीं होती और बहुत सारे खनिज मिनरल्स की पूर्ति भी होती रहती है। इसी तरह दोस्तों, अगर शरीर कमज़ोर है, खून की कमी है, लीवर की क्षमता कम है, तो प्रातःकाल टमाटर के रस में थोड़ा अदरक का रस तथा शहद मिलाकर पिलाने से खूब रक्त की वृद्धि होती है तथा कमजोरी भागने लगती है। अगर हृदय धड़कन बढ़ गई है, तो पके टमाटर के रस में 30 या 40 ml लेकर उसमें 4 रत्ती से 1 ग्राम तक अर्जुन छाल का चूर्ण डालकर पिलाने से रोगी की बड़ी हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है। अगर रतौंधी रोग है, रात में दिखाई नहीं देता है, तो टमाटर में मौजूद प्राकृतिक विटामिन ए न केवल रोगी का जो लाभ करता है, रोग का नाश करता है, बल्कि आँखों की मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ा देता है। टमाटर का रस रोगी को सेवन करना चाहिए और नित्य सेवन करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। अगर बीपी हाई रहने की परेशानी है, तो टमाटर को लाल बनाने वाला तत्व जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उच्च रक्तचाप को कम करने की शक्ति रखता है। शोधों में विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखा है। दोस्तों, अगर चेहरे पर कालापन, दाग धब्बे, मुहासे, झाइयां हैं, तो पका टमाटर जो उसे 2 टुकड़ों में कर लें, वो चेहरे पर मलना चाहिए। इससे चेहरा साफ क्रांतिवान बन जाता है। चर्म रोगों में टमाटर का रस बिना नमक के पिलाने से बहुत लाभ होता है और चेहरे की त्वचा जो है क्रांतिवान बन जाती है। इस प्रकार दोस्तों, टमाटर प्रकृति का नायाब तोहफा है तथा इसके लाभों गुणों की लिस्ट लंबी है। दोस्तों, इस स्वास्थ्यकारी रोगनाशक फल को जो है रक्त वृंताक, बेलवांगी, कली गेंगून, टोमेटो, टमाटर, लाइकोपर्सिकन, एस्कुलेंटम आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसके वानस्पति परिचय की बात करें, तो इसका पौधा 2 से 4-5 फुट लंबा, रोमयुक्त, अनेक शाखाओं वाला पौधा होता है। इसके पत्र मुड़े हुए, पक्षवत बैंगन के पत्रों जैसे, लेकिन छोटे होते हैं। पुष्प बैंगन के पुष्पों जैसे तथा पीले होते हैं। इसके फल कच्चे होने पर हरे, स्वाद में खट्टे कसैले होते हैं, लेकिन पकने पर लाल रंग के, खट्टे, मधुर व स्वादिष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, टमाटर के निषेध विशेष की बात करें, तो दोस्तों टमाटर के बीजों में ऑक्जैलिक अम्ल अधिक होता है, अतः पथरी के रोगियों को टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो बीज निकालकर ही सेवन करना चाहिए, कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। लेकिन जिन्हें यूरिक अम्ल वृद्धि की परेशानी है, गठिया रोग है, तो उन्हें टमाटर
बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए। दोस्तों, कच्चे टमाटरों में ऑक्जैलिक अम्ल और भी अधिक होता है, अतः ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, टमाटर जो है मंड यानी स्टार्च का विरोधी है, अतः स्टार्च युक्त जो पदार्थ हैं जैसे कि चावल हो गया, गेहूं, आलू आदि स्टार्च वाले पदार्थों तथा भूख व पाचन तंत्र की कमी वाले रोगियों को टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसे वात रोगों का तथा वातकारी पदार्थों जैसे चना बेसन के साथ तेल में भूनकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे वात की वृद्धि हो जाती है। पुरुषों को टमाटर का अधिक सेवन करने से, नित्य प्रयोग करने से उनका वीर्य जो है पतला होकर दुर्बल हो जाता है, जिससे पौरुष शक्ति कम हो जाती है। यही नहीं, मंदाग्नि होकर बवासीर आदि रोगों की भी संभावना रहती है। अतः दोष निवारक पदार्थों के साथ इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, टमाटर का जो सलाद है उसको उसके रूप में सेवन करना, ताजा व कच्चा खाना ही अधिक हितकारी माना गया है। दोस्तों, टमाटर जो है वो शीत प्रकृति का यानी ठंडी प्रकृति का होता है। इस प्रकार दोस्तों, टमाटर बहुत गुणकारी है, बहुत ही कीमती फल है। दोस्तों, यह प्रकृति का नायाब तोहफा कहें तो यह गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।